अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग पॉइंट ब्लैंक विद लुकमान। मेरा नाम बशर लुकमान है। मंडे टू थर्सडे वी ब्रिंग टू यू अ न्यू शो, अ न्यू प्रोग्राम एवरी डे। आज मुझे एक बड़ी अजीब सी कॉल आई। मुझे मुजफ्फरगढ़ से एक नौजवान लड़के ने कॉल की और यूनस साहब ने, और उन्होंने मुझे कहा कि मुबशर भाई, बात यह है कि हमारे इलाके में कोई हमारा रहनुमा नहीं है, कोई हमारी बास फोर्स नहीं कर रहा, कोई पता नहीं कर रहा, यहाँ लुटेरे भी आ गए हैं, सब कुछ आ गया है। ख्वातीन और बूढ़े और बच्चे बिलखसूस जो है वो छीना झपटी के बायस उन तक खाना नहीं पहुंच रहा। तो हमने ये फैसला किया है कि अपने इस इलाके में हम एक यूनियन काउंसिल तश्कील दे रहे हैं, खुद अवामी यूनियन काउंसिल, और ताकि वो बैठ के ये डिटरमिन करे कि किस घर में खाना जाना है, किस घर में नहीं जाना, जो रिहैबिलिटेशन है वो किस तरह से हमने करनी है। उसके बाद बज़ाहिर तो ये एक बड़ी मासूम सी ख्वाहिश है, बज़ाहिर तो ये एक बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन जब मैंने ये बात सुनी उनकी तो मुझे याद आया कि चंद दिन पहले एमकेएम के बानी फाउंडर और कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने एक अवामी इनकलाब की बात की थी। पता नहीं, शायद अवामी इनकलाब से उनकी राय यही बात थी या कोई और बात थी। तो उनके कुछ बयानात जो कल परसों और तरसों आए हैं, उनके ऊपर क्लेरिफिकेशन लेने के लिए, मजीद तफसील जानने के लिए आज हमने उनको दावत दी कि वो एक्सप्रेस न्यूज के इस शो में हमारे साथ बराह रास्त लाइव लंदन से शिरकत करें। एमकेएम के फाउंडर कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम मुबशर हसन भाई, आपको सलाम, आपके स्टाफ को सलाम, और आपके टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले जी, आपका कल का बयान जो था कि जिसमें बलदियाती निजाम को आपने कहा कि एक साल के लिए इसको फौरी तौर पर दोबारा नाफिज कर देना चाहिए, जहां तक मेरी इतलात है जब बलदियाती निजाम को खत्म किया गया था तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, MQM, गर्ज के कोएलेशन में जो जो था उन सब से मुशावरत की गई थी, तो उसमें और आज में क्या तब्दीली हो गई? मुबशर भाई, बात दरअसल ये है कि बल्दियाती निजाम के 4 साल मुकम्मल हो चुके थे और उसमें मजीद कुछ माह का एक्सटेंशन दिया था हुकूमत ने, और उसके बाद ये तय पाया कि अब इलेक्शन की मुद्दत खत्म हो चुकी है, पूरा इसका टेन्योर मुकम्मल हो गया है, तो अब नए सिरे से बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे। तो आज 7 माह गुजर चुके हैं, अब तक बल्दियाती इंतखाबात दोबारा नहीं हुए, और पैदर पे सानेहात जहूर पजीर होते रहे, और जो ताजा तरीन गुज़िश्ता 1-1.5 माह से जो सूरत हाल मुल्क में सैलाब की है, वो तमाम पाकिस्तानियों के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान में आई थिंक दुनिया की तारीख का सबसे बदतरीन सैलाब आया है, और ऐसी सूरत में करोड़ों अफराद जिनके घर गांव के गांव बह गए, सफाई हस्ती से मिट गए, वो खुले आसमान के नीचे आया जिंदगी, या तो जिंदगी गुजार रहे हैं या कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं या बोसीदा इमारतों स्कूलों वगैरह में जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां जिंदगी की जरूरियात हत्ता के खाने पीने की अशिया अजनास तक मौजूद नहीं है, और उनकी खबरगिरी करने वाला कोई हुकूमती ऐसा सेटअप और सिस्टम नहीं है कि जो लोगों के दरमियान में से हो और उन्हीं के कर उनके मसाइल देखकर उन्हें आगे बढ़ाए और उनकी
की इमदाद करे और बल्दियाती निजाम एक ऐसा निजाम था, मैं समझता हूं पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत इस निजाम को पसंद करती है और अगर ये निजाम होता तो मुझे यकीन है कि 50% से जायद हम न सिर्फ इंसानी जानों को बचाने में कामयाब हो जाते बल्कि जहां जहां इन जिन जगहों पर बड़े बड़े जागीरदारों ने बड़े बड़े वडेरों ने बड़े बड़े जमींदारों ने बड़े बड़े दौलतमंद एमएनएस एमपीएस सेनेटर्स ने बड़े बड़े असर रसूख रखने वाले अफराद ने जिस तरह अपने बागात को अपनी फसलों को अपनी जमीनों को अपने महल्लात को बचाने के लिए सैलाब का रुख दाएं बाएं कट लगा लगा कर उसका रुख गरीब मजारहीन किसानों कारियों गरीब लोगों तक गांवों गोठों कस्बात तक की तरफ कर दिया और अपनी जमीनें बचा ली। अब जब बड़े पैमाने पे तबाही हुई हजारों जाने सैलाब की नजर हो गई हजारों लोग जख्मी हुए लाखों घर करीबन 1 करोड़ के लगभग घर इंसानों के झोपड़े छोटे छोटे जो गरीबों के मकानात थे वो सब ढह गए और वो घरों से दरबदर हो गए और आज तक दरबदर हैं। और ऐसे वक्त में उनकी खबरगीरी करने वाला उनकी देखभाल करने वाला उनके दरमियान कोई भी मौजूद नहीं था। लोकल बॉडीज का सिस्टम यह था कि नाजिम भी होता था, टाउन नाजिम भी होता था, नायब टाउन नाजिम भी होता था, ताल्लुका नाजिम भी होता था, नायब ताल्लुका नाजिम भी होता था, यूसी नाजिम होता था, नायब यूसी नाजिम होता था और फिर काउंसलर्स होते थे गली गली। अगर ये लोग मौजूद होते तो ये वहीं के होते, उसी गली के होते, उसी महल्ले के होते, तो ये अपने महल्ले अपने गांव गोट के बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के लिए अपने लोगों के साथ एक तो हिफाजती इंतजाम सैलाब आने सैलाब का रेला आने से पहले ही इंतजाम कर लेते और दूसरी तरफ ये तमाम नाजमीन और दियाती नुमाइंदेगान ऐसे लोगों को जो कुश्ते तोड़कर जमीनों में कट लगा लगा कर अपनी जमीनों को बचाकर दूसरों के गांव गोर तबाह बर्बाद करने का अमल कर रहे थे उन्हें भी अवाम के ताबुन के साथ मिलकर रोकने में कामयाब हो जाते। यहाँ पे एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट उठता है, मैं आता हूँ बल्दियाती निजाम के ऊपर मैंने आना है आगे, लेकिन सवाल यह है कि अगर फर्ज करें एमक्यूएम की हुकूमत होती है इस वक्त या एमक्यूएम हुकूमत में आ जाए किसी भी एक बाय स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून तो क्या होगा उन बडेरों के और जागीरदारों के खिलाफ जिन्होंने बंदों को काटा या कट लगाए, आप क्या उनके साथ करेंगे? ये तो बहुत आगे का सवाल पूछ लिया। अभी तो जो मैंने मुतालबा किया था बशर भाई के बल्दियाती निजाम को जब तक नए बल्दियाती निजाम निजाम का नए बल्दियाती निजाम का ही हो जाता खुदारा करोड़ों
عوام کی خبر گیری کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی بقا اور فلاح کے لیے کم از کم پرانے بلدیاتی نظام کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے بحال کر دیا جائے، اور جیسے ہی بلدیاتی انتخابات ہوں ویسے ان کو ختم کر دیا جائے۔ ایسا کرتے ہیں کہ صرف مصطفیٰ کمال اور قنور نوید کو ری انسٹیٹ کروا دیتے ہیں تو پھر باقیوں پہ تو آپ یعنی کمپرومائز ہو جائے گا کہ نہیں؟ بشیر بھائی یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے، میں نے اپنی پوری گفتگو میں اب تک نہ تو مصطفیٰ کمال اور قنور نوید کا نام لیا ہے، نہ میں نے کراچی اور حیدرآباد کا نام لیا ہے۔ نہیں، کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ شاید بینیفیشری ہیں اس نظام کے، اس لیے آپ اس کو ریوائز کرنے کی بات کر رہے ہیں اس سٹیج پہ۔ ارے جناب، اگر کسی کو یہ شک ہے، اگر کسی کو یہ گمان ہے، یہ غلط فہمی ہے، تو میں آپ کے اس چینل کے توسط سے حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ کسی کے دل میں اگر یہ شک ہے تو کراچی اور حیدرآباد میں پرانا بلدیاتی نظام بحال نہ کرے، لیکن ان علاقوں میں تو بحال کر دے جہاں سیلاب سے سیلاب آیا، تباہ کاریاں ہوئی اور لوگ کھلے آسمان کے نیچے مر رہے ہیں، وہاں تو بحال کر دے کم از کم۔ لیکن جناب بات یہ ہے کہ جس سسٹم کے خلاف آپ انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، جن جاگیرداروں، وڈیروں، لٹیروں، ایم این اے، ایم پی ایس کے خلاف آپ نے عوام کو کہا کہ وہ قربانی دیں، اٹھ کھڑے ہوں، ایم کیو ایم تو بذات خود اس ایک سسٹم کا حصہ ہے، بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، تو کیا اب ایم کیو ایم بھی قربانی دینے کے لیے آگے بڑھے گی اور حکومت سے نکلے گی؟ آپ اتنی جلدی جلدی جمپے لگا رہے ہیں، ایک ٹاپک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا۔ بہرحال آپ کا حق ہے، آپ جتنی چاہیں تیز جمپے لگائیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس کا عادی ہوں، اور ہر انتر منتر کا اللہ نے مجھے اس کا سوڑ بھی بتایا ہے۔ جناب والا، میں نے جس انقلاب کی بات کی تھی، وہ بات میں نے سسٹم سے علیحدہ، یہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے جمہوری، اس سے علیحدہ ہونے کی بات نہیں کی تھی، بلکہ پورے ملک میں 63 برسوں سے جو گلا سڑا، فرسودہ، کرپٹ، جاگیردارانہ، وڈیرانہ، سرمایہ دارانہ نظام، موروثی نظام چلتا چلا آ رہا ہے، دادا گیا، بیٹا آیا، بیٹا گیا، اس کا بیٹا آیا، بھتیجا آیا، بھانجا آیا، سالا آیا، سالی آئی، داماد آیا، فلاں آیا، فلاں آیا، تو عوام کو 63 برسوں میں اس جمہوریت کا تو کبھی کوئی فائدہ سرے سے ملا ہی نہیں، بلکہ چند خاندانوں کو 63 برسوں سے فائدہ ملتا رہا، اور جو الیکشن سے پہلے اگر ایک فیکٹری کے مالک تھے تو آج سینکڑوں فیکٹریوں کے ملک میں مالک ہیں، شوگر ملوں کے مالک ہیں، آٹا ملوں کے مالک ہیں، اور پتہ نہیں نہ جانے کس کس چیز کے کی فیکٹری کے مالک ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کی اور ان کی اولادوں کی بڑی بڑی جائیدادیں اور کاروبار ہے۔ عوام کو اس سسٹم سے کیا ملا؟